एक इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर से एक संदेश भेजने की एक विधि है। पहली ईमेल वर्ष 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा भेजा गया था। जिसमें ईमेल सर्वर स्वीकार फॉरवर्ड डिलीवर देना और संदेशों को संचय करता है। यह मानक टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल का सेट है जो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा संदेश भेजता है और आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल द्वारा संदेशों को प्राप्त करता है। ईमेल के कुछ प्लेटफॉर्मों हैं जैसे जीमेल हॉटमेल याहू मेल और आदि इसमें शामिल है। एक इंटरनेट के ईमेल संदेश में तीन घटक होते हैं। निजी तौर पर ईमेल की विषय सामग्री के संलग्न करने के लिए इस्तेमाल करना। यह बात निर्धारित करना कि संदेश कहाँ भेजा है और विशिष्ट पथ का भी रिकॉर्ड रखना जो प्रत्येक मेल सर्वर के माध्यम से गुजरता है। ईमेल के बारे में जानकारी के रूप में फ्रॉम टू सीसी विषय दिनांक आदि आते हैं। टेक्स्ट चित्र या संलग्न अटैचमेंट दर्ज करना प्राप्तकर्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल के प्रकार ईमेल एकल या व्यक्तियों की समूह के लिए भेजा जा सकता है। ईमेल संचार के विभिन्न प्रकार हैं जिनसे अपने दर्शकों को संलग्न करने के लिए अलग अलग डिजाइन और नियोजन प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है जिसके अलग अलग लाभ मिलते हैं। ईमेल के तीन प्रकार के होते हैं मार्केटिंग विपणन ईमेल नोटिफिकेशन सूचना ईमेल और ट्रांसैक्शनल व्यवहार ईमेल। मार्केटिंग विपणन ईमेल इस वीडियो में हम मार्केटिंग विपणन ईमेल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग विपणन ईमेल का उपयोग कर लोगों के एक समूह के लिए वाणिज्यिक संदेश भेजने के लिए एक विधि है। मार्केटिंग विपणन ईमेल उपयोगकर्ता को ग्राहकों और संचालन के लिए प्रेरित करते हैं। मेल के इस प्रकार के व्यापार के लिए विज्ञापन अनुरोध भेजने के लिए मांगना बिक्री या दान के लिए पूछना संदेशों में शामिल है। मार्केटिंग विपणन ईमेल के माध्यम से बाजार एजेंटों विश्वास निर्माण बाजार एजेंटों निष्ठा या ब्रांड जागरूकता बनाते हैं। उदाहरण समाचार पत्रिकाएं फ्लैश बिक्री और बैनर बिक्री और संवर्धन घोषणाओं आदि। ईमेल मार्केटिंग विपणन के दो प्रकार के होते हैं ट्रांसैक्शनल व्यवहार ईमेल डायरेक्ट ईमेल नोटिफिकेशन सूचना ईमेल। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन सूचना ईमेल के बारे में जानेंगे। नोटिफिकेशन सूचना ईमेल उपयोगकर्ता को हर घटना के बारे में सूचित करने के लिए विशेष अनुमति देता है। ऐसे ट्रिगर के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर सूचना ईमेल को चिन्हित करने के लिए एक घटना पदोन्नति की तरह मेला आदि के क्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण जन्मदिन ईमेल
शॉपिंग कार्ट ईमेल, एक खरीद के बाद अभिवादन, एक खरीद के बाद प्रतिक्रिया अनुरोध आदि। ट्रांसैक्शनल व्यवहार ईमेल। इस वीडियो में हम ट्रांसैक्शनल व्यवहार ईमेल के बारे में जानेंगे। ट्रांसैक्शनल व्यवहार ईमेल व्यापार लेन देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ईमेल ग्राहक को अपेक्षित जानकारी देता है जिसकी वह इच्छा करता है या पुष्टि करता है। इस प्रकार के ईमेल ग्राहक से संबंध को अनुकूलन करने के लिए होते, लेकिन इनको परिभाषित करने और बाहर चिन्हित करने का इरादा नहीं होता है। ट्रांसैक्शनल व्यवहार ईमेल एक से एक ईमेल का एक प्रकार है। यह थोक ईमेल से अलग है जो एक ही सामग्री के साथ कई लोगों को जाता है। उदाहरण, खाता खोलने के लिए आपका स्वागत संदेश, ऑर्डर की स्थिति, भुगतान की पुष्टि, बैंक ट्रांजैक्शन व्यवहार, ईमेल एड्रेसिंग। एक ईमेल पता डाक पते के समान होता है। ईमेल एड्रेस एक ईमेल बॉक्स को पहचानता है जिसको ईमेल संदेश दिया जा रहा है। एक ईमेल पता कई तत्वों से बना है, उदाहरण के लिए rock@example.com। सभी ईमेल के पहले भाग में उपयोगकर्ता समूह या एक कंपनी या संगठन का विभाग का नाम होता है। @email का विभाग डिवाइडर है और राइट में डोमेन नाम होता है जो उपयोगकर्ता से संबंधित होता है, अर्थात example.com। डोमेन नाम एक अनूठा नाम है जो एक वेबसाइट की पहचान करता है और यह एक पते के रूप में कार्य करता है जो वेबसाइट का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डोमेन नाम इंटरनेट पते को याद करने एक आसान तरीका है। डोमेन नेम सिस्टम DNS के द्वारा उसको संख्यात्मक पता IP पते में अनुवाद किया गया है। डोमेन नाम को तीन भागों में बांटा गया है, होस्ट नाम, उप डोमेन, कंप्यूटर का नाम या उपयोगकर्ता नाम यूजर नेम इंगित करता है। दूसरे स्तर के डोमेन, शीर्ष स्तर के डोमेन साइट होस्टिंग कंपनी एक संगठन को इंगित करता है। शीर्ष स्तर के डोमेन है .government सरकारी एजेंसियों, .com वाणिज्यिक व्यापार, .education शैक्षिक संस्थानों, .net संगठन जो गैर लाभ में है, .internet संयुक्त राष्ट्र संघ WHO आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, .in भारत। उपयोगकर्ता नाम चरित्र की बाईं ओर उपयोगकर्ता नाम या यूजर नेम होता है। उपयोगकर्ता जो एक डोमेन पर ईमेल के मालिक का नाम निर्दिष्ट करता है, उदाहरण के लिए रॉक है। ईमेल एड्रेसिंग के प्रकार वास्तव में तीन सबसे आम तरीके हैं जो एक वैध ईमेल को स्थापित करने के लिए होते हैं। जीमेल, याहू, हॉटमेल और आदि ईमेल प्रदाता के द्वारा लाइव ईमेल अकाउंट बनाना, एक आभासी मेलबॉक्स या ईमेल अग्रेषण सुविधा बनाना है। उपयोगकर्ता डोमेन के साथ एक व्यक्तिगत डोमेन ईमेल बनाता है। ईमेल क्लाइंट की ओपनिंग। इस वीडियो में हम ईमेल क्लाइंट की ओपनिंग के बारे में जानेंगे। ईमेल क्लाइंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ईमेल का प्रबंधन और उपयोग करने के लिए एक कार्यक्रम है। किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को खोलें और गूगल ब्राउज करें। इसके बाद होम पेज पर google.com टाइप करें। मेनू बार में गूगल पेज के शीर्ष बाएं कोने में जीमेल का चयन करें। जीमेल का चयन करने पर पेज के साथ एक खंड में साइन खुलता है। एक नया खाता बनाने पर क्लिक करें। एक नया खाता सेट करने के लिए
गूगल को प्रथम नाम और अंतिम नाम आदि जैसे उपयोगकर्ता की कुछ जानकारी की जरूरत होती है। अपना यूजर नाम चुनें। यह एक अद्वितीय ईमेल पता होता है जिसे उपयोग करने से पहले रखा जाएगा dash@gmail.com। बॉक्स में वरीय ईमेल नाम यानी अपना यूजर नेम चुनें और फिर अपनी बाकी जानकारी भरें। यदि ईमेल नाम का अनुरोध उपलब्ध नहीं है या संदेश कह रहा है कि किसी ने पहले ही उपयोगकर्ता नाम प्रयोग किया हुआ है तो आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे। उपयोगकर्ता विकल्प में से एक को स्वीकार कर सकता है या किसी अन्य के नाम में को टाइप करता है और एक बार फिर वह अपनी उपलब्धता देखने के लिए तय कर सकता है। एक बार ईमेल एड्रेस को अंतिम रूप दे दिया जाता है, जब तक उपयोगकर्ता इसकी आदत बना नहीं लेता है, इसके बारे में नोट बनाना एक अच्छा विचार है। प्रयोक्ता को अपने खाते में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के लिए एक पासवर्ड बनाने की आवश्यकता होगी। पासवर्ड अधिक सुरक्षित बनाने के लिए संख्या और लेटर का उपयोग करें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। यह कम से कम 8 वर्ण लंबा होना चाहिए। उपयोगकर्ता को पासवर्ड फिर से दर्ज करने की जरूरत होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उपयोगकर्ता के चुनने संबंधित हो और न कि हैकर या किसी और के लिए हो। फिर यह उपयोगकर्ता से CAPTCHA कोड दर्ज करने के लिए पूछता है। यदि उपयोगकर्ता CAPTCHA कोड को दर्ज नहीं करना चाहता है तो वह इसे छोड़ सकता है, लेकिन उपयोगकर्ता को अगर CAPTCHA कोड दर्ज नहीं करना है तो एक मोबाइल फोन के माध्यम से सत्यापित करना होगा। उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं गूगल सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत हूँ टिक करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगले कदम के लिए क्लिक करें। एक बार जब उपयोगकर्ता इस पेज को पूरा कर लेता है तब अगला कदम क्लिक करने पर वह अपनी प्रोफाइल पेज को बना सकता है। अगर उपयोगकर्ता को वेब पर तस्वीर लगाने की इच्छा नहीं है तो अपने ईमेल की स्थापना को पूरा करने के लिए अगला कदम क्लिक करें। अगर उपयोगकर्ता ऐड प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करे और उसे जोड़ने के लिए तस्वीर मिल जाए तो उसे अगले कदम पर क्लिक करना होता है। उपयोगकर्ता को अब अपने खाते को स्थापित करना होगा। उपयोगकर्ता अपने इनबॉक्स के लिए सीधे जा सकते हैं और शुरू हो जाते हैं, या उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल चित्र के रूप में दिखाने के लिए एक तस्वीर को सेट कर सकते हैं। एक तस्वीर अपलोड करने के लिए ऐड फोटो पर क्लिक करें और फोटो का चयन करें। इनबॉक्स में जाने के लिए और शुरू हो जाओ के लिए अगले कदम पर क्लिक करें। एक नया यूजर नाम और पासवर्ड बनाया जाएगा और उपयोगकर्ता के लिए भेज दिया जाएगा। यूजर नाम और पासवर्ड याद होना चाहिए और जीमेल के लिए हर समय यूजर नाम लॉगिन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनबॉक्स और आउटबॉक्स मेल बॉक्स में इस वीडियो में हम
इनबॉक्स और आउटबॉक्स मेलबॉक्स के बारे में जानेंगे। इनबॉक्स मेलबॉक्स मेमोरी में एक क्षेत्र है या एक स्टोरेज डिवाइस जहां ईमेल को रखा जाता है। ईमेल सिस्टम में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए एक निजी मेलबॉक्स होता है। उपयोगकर्ता को जब ईमेल प्राप्त करता है तो मेल सिस्टम स्वचालित रूप से सबको मेलबॉक्स में डालता है। इनबॉक्स उपयोगकर्ता के लिए मेल का एक संग्रह है जो हाल ही में प्राप्त हुए हैं, जो पढ़ने के लिए, सवाल के लिए, संग्रह के लिए या हटाने के लिए उपलब्ध है। अधिकांश लोगों को जो अधिक मेल प्राप्त होते हैं वे एक फोल्डर में संभल सकते हैं। संदेशों को पढ़ने के बाद उपयोगकर्ता के पास विकल्प है कि वह उनको अपने द्वारा बनाए गए फोल्डर में जैसे परिवार, मित्र, व्यापार आदि के रूप में ले जा सकता है या ट्रैश में ले जाकर उन्हें डिलीट कर सकता है। आउटबॉक्स जहां बाहर जाने वाले ईमेल संदेश अस्थायी रूप से जमा हो जाते हैं। एक संदेश लिखते समय अधिकतर मेल प्रोग्राम स्वचालित रूप से ड्राफ्ट संदेश को आउटबॉक्स में सेव बचा कर लेता है। संदेश तो आउटबॉक्स में तब तक संग्रहित रहता है जब तक कि इसे सफलतापूर्वक प्राप्तकर्ता को भेजा न जाए। एक बार संदेश भेज दिया गया है तो सबसे अधिक ईमेल प्रोग्राम भेजा या भेजे गए संदेश फोल्डर में संदेश ले जाते हैं। इनबॉक्स जो अक्सर ईमेल से भरा हुआ होता है जबकि आउटबॉक्स अक्सर कोई संदेश को शामिल नहीं करता। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू ईमेल। इस वीडियो में हम क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू ईमेल के बारे में जानेंगे। ईमेल दूसरों के लिए जल्दी और आसानी से जानकारी पाने का एक शानदार तरीका है। जीमेल पृष्ठ में बाएं ओर लिखे बटन पर क्लिक करें। फील्ड में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता टाइप करें। एक प्राप्तकर्ता के पते को टाइप करते ही जीमेल ऑटो उपयोग करते हुए संपर्कों सूची द्वारा पतों का सुझाव देगा। ईमेल प्राप्तकर्ता के पता TO फील्ड में है, हालांकि इसके साथ जुड़े अन्य जानकारी देखने के लिए संपर्क नाम ईमेल में है। ईमेल एड्रेस या नाम संपादित करने के लिए एक संपर्क नाम पर डबल क्लिक करें। पहचान के लिए विषय क्षेत्र में एक विषय के संदेश दर्ज करें। संदेश लिखें और सिर्फ विषय रेखा के नीचे बड़े क्षेत्र पर क्लिक करें और थोड़ा दूर होकर टाइप करें। जब कंपोजिंग हो जाए
तो कंपोज विंडो के तल पर भेजे बटन पर क्लिक करें। एक ईमेल संदेश का जवाब देते हुए, इस वीडियो में हम एक ईमेल संदेश का जवाब देते हुए के बारे में जानेंगे। संदेश का जवाब करने के लिए या तो संदेश टैब नीचे बॉक्स में क्लिक करें या प्राप्त संदेश के शीर्ष दाएं कोने में तीर आइकॉन पर क्लिक करें। संदेश और उपयोगकर्ता के एकाधिक प्राप्तकर्ताओं के लिए एक समय में मेल के सभी का जवाब दिखता है। संदेश टैब नीचे बॉक्स पर सभी का जवाब दे बटन पर क्लिक करें और जवाब मेल लिखना शुरू करें। एक अन्य विकल्प के नीचे तीर क्लिक करें, फिर जो रिप्लाई बटन के बगल में है रिप्लाई ऑल उसका चयन करें। एक ईमेल संदेश फॉरवर्डिंग एग्रेशन, इस वीडियो में हम एक ईमेल संदेश फॉरवर्डिंग एग्रेशन के बारे में जानेंगे। फॉरवर्डिंग एग्रेशन अन्य लोगों के लिए एक संदेश को पुनः भेजने के लिए है। यह एक व्यक्तिगत संदेश या एक पूरी बातचीत को आगे करने के लिए संभव है। फॉरवर्ड आगे करने के लिए संदेश खोले। संदेश के नीचे बॉक्स में फॉरवर्ड आगे लिंक पर क्लिक करें। अगर फॉरवर्ड आगे लिंक नहीं दिखता तब नीचे तीर संदेश के शीर्ष दाहिने कोने पर रिप्लाई करें और आगे का चयन करने के लिए अगले पर क्लिक करें। नई प्राप्तकर्ता को यदि जरूरी हुआ तो और मौजूदा संदेश के लिए किसी भी अतिरिक्त टेक्स्ट को जोड़ें। यदि संदेश अटैचमेंट है और उपयोगकर्ता उसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहता तो अटैचमेंट को अचयनित कर सकता है। भेजे सेंड पर क्लिक करें। एक पूरी बातचीत को फॉरवर्ड करना। बातचीत को खोलें। संदेशों के ऊपर स्थित टूल बार में मोर बटन पर क्लिक करें और फॉरवर्ड ऑल का चयन करें। जब एक पूरी बातचीत को भेज जाता है तो सभी संदेशों को एक ही संदेश में डाल दिया जाता है। प्रत्येक संदेश स्पष्ट रूप से चिन्हित और सबसे पुराना से अंतिम करने के लिए कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध है ताकि बातचीत पढ़ने के लिए आसान हो। भेजे सेंड क्लिक करें। सॉर्टिंग और सर्चिंग ईमेल संदेश, इस वीडियो में हम सॉर्टिंग और सर्चिंग ईमेल संदेश के बारे में जानेंगे। वेबमेल के दशक में खोजे सर्च संदेश विकल्प उपयोगकर्ता को खोज शब्दों का उपयोग कर अपने संदेश को हेडर द्वारा खोज करने की सुविधा देता है। स्क्रीन के बाई ओर पर खोजे सर्च संदेश पर क्लिक करें। इस शब्द या वाक्यांश बॉक्स के लिए खोज में शब्द या शब्दों के लिए खोज करने के लिए टाइप करें। हेडर बॉक्स में जांच फ्रॉम टू और सब्जेक्ट उन क्षेत्रों के भीतर खोज के अधीन है। फोल्डर में पुल डाउन मेनू से उस फोल्डर का चयन करें जिसे आप खोजना चाहते हो। क्लिक करें खोजे सर्च, आपकी सर्च खोज के परिणाम दिखाई देंगे। संदेश के माध्यम से सॉर्टिंग करने के लिए सभी ईमेल प्रदाताओं की तरह जीमेल भी संदेश को जो इनबॉक्स में प्राप्त हुए हैं उनको स्टोर करने के लिए अनुमति देता है। उपयोगकर्ता इन ईमेल से सॉर्ट करना चाहते हैं तो जीमेल सॉर्टिंग विकल्पों में एक नंबर प्रदान करता है।
यहाँ तक कि अगर ये विकल्प पर्याप्त नहीं होते तो उपयोगकर्ता ईमेल कीवर्ड द्वारा सॉर्ट कर सकते हैं। यदि उपयोगकर्ता जीमेल से ईमेल से सॉर्ट करना चाहता है तो यह कुछ सरल चरणों में किया जा सकता है। कंप्यूटर के वेब ब्राउजर खोलें और पेज में जीमेल पर साइन इन करने के लिए नेविगेट करें। टाइप जीमेल की ईमेल पता और पासवर्ड रिक्त स्थान में प्रदान करें और जीमेल खाते में प्रवेश करने के लिए साइन इन बटन पर क्लिक करें। जीमेल मुख्य पृष्ठ के बाईं ओर पर इनबॉक्स विकल्प पर क्लिक करें। जिस क्रम में वे प्राप्त किया गया है उसके द्वारा ईमेल संदेशों को सुलझाने के लिए जीमेल इनबॉक्स के शीर्ष पर क्लासिक विकल्प पर क्लिक करें। ईमेल संदेशों को सुलझाने के लिए जीमेल इनबॉक्स के शीर्ष पर पहले महत्वपूर्ण विकल्प पर क्लिक करें, जिसके द्वारा संपर्कों को अक्सर संवाद करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ईमेल संदेशों को सुलझाने के लिए जीमेल इनबॉक्स के शीर्ष पर पहले अपठित विकल्प पर क्लिक करें, चाहे वह किसी के द्वारा खोले गए हो या नहीं। ईमेल संदेशों को सुलझाने के लिए जीमेल इनबॉक्स के शीर्ष पर पहले तारांकित विकल्प पर क्लिक करें, जिसके द्वारा अभिनय किया है या नहीं। जीमेल के मुख्य पृष्ठ के शीर्ष पर सर्च बार पर क्लिक करें और वहां टेक्स्ट कर्सर को रखें। प्रदान किए गए स्थान में ईमेल संदेश सॉर्टिंग के लिए खोज शब्द, कोई संपर्क या एक विषय का नाम उदाहरण के लिए टाइप करें और खोज मेल बटन पर क्लिक करें। जीमेल अब कीवर्ड को उनकी प्रासंगिकता अनुसार ईमेल संदेशों को सुलझाना होगा। ईमेल को मंच, फॉर्मस, नवीनीकरण, अपडेट्स आदि जैसे जीमेल में बांटा जाता है। अग्रिम ईमेल सुविधाओं। इस वीडियो में हम अग्रिम ईमेल सुविधाओं के बारे में जानेंगे। पूर्वावलोकन और अपने को स्वयं एक नमूना ईमेल भेजकर परिवर्तनों का परीक्षण कर सकते हैं।
यदि उपयोगकर्ता डिफॉल्ट सेटअप प्रेस कंट्रोल प्लस जेड में किए गए परिवर्तनों को पसंद नहीं करता तो वह पुनर्स्थापित कर सकता है। ईमेल से डॉक्यूमेंट्स को भेजना। ईमेल पता और पासवर्ड वांछित स्थान में टाइप करें और बटन साइन इन करें पर क्लिक करें ईमेल खाते में प्रवेश करने के लिए। दस्तावेजों को एक ईमेल के साथ संलग्न किया जा सकता है क्योंकि प्राप्तकर्ता उनको प्राप्त करता है और देख सकता है या उनको डाउनलोड कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स को ईमेल करने के लिए कदम। यूजर मेल खातों को देखने के लिए ईमेल खाते में लॉगिन करें। एक नया ईमेल भेजने के लिए लिखे कंपोज पर क्लिक करें। एक बार नया ईमेल खुला जाता है तो टू में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता टाइप करें। इसके बाद विषय बॉक्स का प्रकार प्रतिक्रिया संदेश में ईमेल के लिए एक शीर्षक डाल दें। एक फाइल संलग्न करने के लिए एक फाइल संलग्न आइकॉन पर क्लिक करें। विंडोज फोल्डरों के माध्यम से ब्राउज डॉक्यूमेंट ईमेल से जुड़े हुए पाते हैं, उस पर क्लिक करके प्रकाश हाईलाइट डालें और फिर खोलें क्लिक करें और उसके बाद डॉक्यूमेंट मेल करने के लिए जोड़ दिया जाएगा। यदि डॉक्यूमेंट ईमेल करने के लिए संलग्न किया गया है तो फाइल नाम नीले टेक्स्ट में दिखाई देगा, विंडो के तल पर दिखाई देगा। एक अन्य डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करें, पेपर क्लिप आइकॉन क्लिक करें और फिर ऊपर दो चरणों को दोहराएं। अगर मेल भेजने के लिए तैयार है तो भेजें, सेंड पर क्लिक करें। स्पेल चेकिंग को सक्रिय करना। इस वीडियो में हम स्पेल चेकिंग को सक्रिय करने के बारे में जानेंगे। स्पेल चेकिंग सुविधा वेब आधारित ईमेल संदेश चर्चा मंचों और यहां तक कि इंटरनेट वेब अनुप्रयोगों सहित रूपों पर वर्तनी की गलतियों को सही कर देता है। सक्षम या अक्षम स्पेल चेक। कंपोज विंडो के तल पर नीचे तीर डिस्कार्ड ड्राफ्ट आइकॉन को क्लिक करें। स्पेल चेक की जांच करें क्लिक करें। अगर कोई गलत वर्तनी मिस स्पेल्ड वाले शब्द हैं, उस पर पीले रंग में प्रकाश डाला जाएगा। इसी तरह के शब्दों के लिए गलत वर्तनी मिस स्पेल्ड वाले शब्द की जगह की सूची में से सही शब्द का चयन करें। पता पुस्तिका एड्रेस बुक का उपयोग। इस वीडियो में हम पता पुस्तिका एड्रेस बुक का उपयोग के बारे में जानेंगे। एड्रेस बुक वह डेटाबेस है जो एक कंप्यूटर में उपयोगकर्ता के लिए नाम, पते और अन्य संपर्क जानकारी संग्रहित करता है। पता पुस्तिका एड्रेस बुक पता सूचियों का एक संग्रह है। नाम, ईमेल पते और वितरण सूची का चयन करने के लिए पुस्तिका एड्रेस बुक में आप देख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब किसी ईमेल संदेश को या सीसी बॉक्स में एक नाम टाइप किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक स्वचालित रूप से यह जांचने के लिए जांचता है कि क्या नाम टाइप किया गया पता पुस्तिका में मौजूद नाम से मेल खाता है। यदि मैच मिला है तो परिणाम प्रदर्शित नाम और ईमेल पता भर दिया गया है और यह उपयोगकर्ता को संदेश भेजने की अनुमति देता है।
अगर कोई मेल नहीं मिला है तो नाम संवाद बॉक्स उपयोगकर्ता को नया संपर्क क्लिक करके एक संपर्क बनाने के लिए कहता है। एक से अधिक नाम टाइप लेटर शामिल होते हैं तो एक विकल्प सूची से इच्छित नाम करने के लिए दिखाया जाएगा। अटैचमेंट की सॉफ्ट कॉपी भेजना। इस वीडियो में हम अटैचमेंट की सॉफ्ट कॉपी भेजने के बारे में जानेंगे। एक ईमेल अटैचमेंट एक फाइल है जो कि एक ईमेल संदेश से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए एक ग्राफिक, एक स्प्रेडशीट या एक शब्द संसाधन डॉक्यूमेंट की तरह संलग्न के मेल संदेश के साथ संलग्न किया जा सकता है। अटैचमेंट को भेजना एक अच्छा तरीका हो सकता है किसी फाइल की कॉपी को हस्तांतरण करने के लिए, अगर प्रेषक और प्राप्तकर्ता उस प्रारूप पर सहमत हो जाएं तो। अटैचमेंट को भेजने के लिए सुझाव। संलग्न के कई प्रकार हैं जो ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। सभी ईमेल सिस्टम एक ही रास्ते में संलग्न के संभाल नहीं सकते। उपयोगकर्ता को अगर यकीन नहीं है कि प्राप्तकर्ता को किस प्रकार की फाइल दिख रही है तो यह एक अच्छा विचार है कि अपने लगाव को भेजने के लिए निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से एक का उपयोग करें। सादी टेक्स्ट। इस तरह अपनी फाइल को बिना फॉर्मेटिंग विकल्पों के बिना सहेजे, जैसे बोल्ड और रेखांकन के रूप में, सभी शब्द प्रोसेसर और टेक्स्ट संपादक एक सादा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एक डॉक्यूमेंट का स्वरूप है जो कि अधिकतर वर्ड प्रोसेसर द्वारा पठनीय है। RTF फाइल एक स्वरूपित डॉक्यूमेंट के एक सादा टेक्स्ट फाइल का प्रतिनिधित्व करते हैं। RTF कोड है जो कि प्राप्तकर्ता के शब्द संसाधक स्वरूपित डॉक्यूमेंट फिर बनाने के लिए उपयोग करता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट स्वरूप एक फाइल स्वरूप है कि फॉन्ट, स्वरूपन, रंग और एक डॉक्यूमेंट के ग्राफिक्स के सभी को बरकरार रखता है। अटैचमेंट का आकार। जीमेल के ईमेल में 25 MB तक सीमित करने के लिए संलग्न कर सकते हैं या गूगल ड्राइव करने के लिए अद्यतन किया जा सकता है। जब उपयोगकर्ता एक अटैचमेंट भेजता है तो प्राप्तकर्ता के पास प्राप्त अटैचमेंट का आकार प्रतिबंधित या सीमा हो सकता है। अगर एक ही डॉक्यूमेंट को कई बार भेजने के लिए जरूरत है तो फाइल को रीनेम कर हर बार नाम बदलना होगा। एक ही डॉक्यूमेंट के एकाधिक संस्करणों भ्रमित हो सकता है और कभी कभी उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट के विभिन्न संस्करण भेज सकते हैं जिसके उपयोगकर्ता ने उम्मीद की हो। एक ही डॉक्यूमेंट में कई पुनरावृत्तियों प्रबंधन करने के लिए एक बेहतर तरीका है फाइल नाम के लिए एक संशोधन की तारीख और या समय छोड़कर फाइल नाम हर बार नाम बदलने के लिए है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट का नाम अलग हो जाएगा और यह नाम सबसे हाल के संस्करण बताने के लिए आसान होगा। फिर पुराने संस्करणों को हटाया जा सकता है। आम डॉक्यूमेंट प्रकार और अटैचमेंट। Microsoft Word, Doc या Docx।
Microsoft Excel, .xls, yar.xls. Microsoft Power, .ppt, yar.pps. WordPerfect.wp. TableText.txt. RichTextSwaroop.rtf. PortableDocumentSwaroop.pdf. GIFGraphics.gif. JPEG, JPGGraphics.jpg, .html, filing, .htm, yar.html, Swayam Nikalne, Abhilekhagar, .sea, Nishpadan file, Windows, .exe file. यदि आप जानते हैं कि यह क्या है, तभी केवल खुलेगा. Visual Basic Script .vbs. यदि आप जानते हैं कि वह क्या है, तभी केवल खुलेगा. Handling spam. इस वीडियो में हम handling spam के बारे में जानेंगे. Spam is email that contains unwanted content and/or solicitations of a nature that is considered vulgar and are offensive by most people and may also be fraudulent and/or dangerous. It usually comes with attachments containing viruses or worms and direct you to websites that may have viruses or worms or phishing ploys. Although our spam filter has proven to be nearly 100% accurate, it is always possible that a legitimate email is incorrectly identified as spam. Because of this, spam is not simply deleted, but is instead placed in a special folder on the mail server named spam. Periodically, users should examine the mail in the spam folder for legitimate email and then delete the rest. Problems encountered due to spam. The huge amount of unwanted email has led to the significant decrease in worker productivity, network throughput, data storage space, and mail server efficiency. In large organizations, a considerable portion of the time of each worker is spent reviewing and deleting the spam itself, leading to a decrease in productivity. The increased network traffic has a deleterious effect on network performance in general and on the organization's mail servers in particular. Marking an email as spam. If a spam email is received in inbox, user need to click Report Spam button in the top toolbar to move that message into your spam folder. And to help teach, Gmail will treat such messages as spam in the future. Checking spam folder. Every few days, user should check the spam folder to make sure no important email messages have accidentally been identified as spam. Simply click on the folder titled spam on the left side of email screen to open spam folder. If everything in the spam folder is actually spam, it can be left as it is and it will be deleted automatically in 30 days. If user want to delete, simply select the message and click the delete forever button in the top menu bar. Marking an email as not spam. If a real email message gets accidentally marked as spam, user can remove it from the spam folder by opening the message and clicking the not spam button in the top menu bar. This will move the email message to user's inbox where it will be safe. संदेश खोलने और शीर्ष मेनू बार में स्पैम नॉट बटन पर क्लिक करके स्पैम फोल्डर से इसे हटा सकते हैं.
ईमेल संदेश सुरक्षित हो जाएगा और उपयोगकर्ता के इनबॉक्स में चले जाएगा। स्माइली का प्रयोग। इस वीडियो में हम स्माइली का प्रयोग के बारे में जानेंगे। भाषा संचार का एक साधन है, लेकिन इसके उपयोग कर व्यक्ति के रूप में ही प्रभावी है। ताकि इसे प्रारूप में और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोगकर्ता इमोटिकॉन का उपयोग करके उबाऊ ईमेल से बचने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और अतिरिक्त अर्थ लाने का यह सबसे अच्छा तरीका। इमोटिकॉन समय बचाने के लिए और जल्दी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। स्माइली इन इमोटिकॉन का हिस्सा है। अपने संदेशों में एक स्माइली जोड़ना एक ईमेल प्रोग्राम में जैसे कि आउटलुक की तरह टेक्स्ट की व्याख्या और यह एक स्माइली में बदल देता है। अगर उपयोगकर्ता इस प्रकार डालता है तो यह कार्यक्रम में एक स्माइली में बदल जाते हैं। याहू मेल और जीमेल जैसे अन्य ईमेल प्रोग्राम में वहाँ एक लटकती मेनू जहाँ उपयोगकर्ता विशिष्ट स्माइली आइकॉन है, यदि आप चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, जिन्हें इमोटिकॉन भी कहा जाता है। स्माइली डालने के लिए कदम। चरण एक, गूगल चैट टेक्स्ट प्रविष्टि क्षेत्र पर कर्सर से क्लिक करें जहां उपयोगकर्ता एक इमोटिकॉन युत्पन्न के रूप में जगह चाहता है। चरण दो, शीर्ष के साथ टैब का उपयोग कर इमोटिकॉन की पसंदीदा शैली का चयन करें। उदाहरण के लिए परिपत्र इमोटिकॉन प्रदर्शित करने के लिए परिपत्र स्माइली चेहरे क्लिक करें। चरण तीन, चैट टेक्स्ट प्रविष्टि क्षेत्र में कर्सर से क्लिक करें जहां आप एक भावना को जगह देना चाहते हैं। चरण चार, संदेश में जोड़ने के लिए इमोटिकॉन पर क्लिक करें, यह चैट विंडो में दिखाई देगा। चरण चार, संदेश के शेष के लिए टेक्स्ट दर्ज करें और फिर इसे भेजने के लिए भेजें, एंटर दबाएं। इंटरनेट शिष्टाचार। बिना इंटरनेट के माध्यम से दूसरों के साथ संवाद गलतफहमी पैदा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चेहरे का भाव और शरीर की भाषा साइबर स्पेस पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, इसलिए इन गलतफहमियों के खिलाफ रक्षा करने का प्रयास करने के लिए प्रौद्योगिकी इंटरनेट ने इंटरनेट शिष्टाचार का प्रस्ताव बनाया है। इंटरनेट शिष्टाचार एक तकनीक है जो एक ऑनलाइन या डिजिटल में सामाजिक रूप से स्वीकार्य है उसको नियंत्रित करता है। इंटरनेट शिष्टाचार के रूप में भी नेटिकेट कहा जाता है। अच्छे नेटिकेट का अन्य गोपनीयता का सम्मान करता है और ऑनलाइन कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोगों को हताश या परेशान हो। क्षेत्रों जहां अच्छा नेटिकेट पर अत्यधिक जोर दिया जाता है वह है ईमेल, ऑनलाइन चैट और समाचार समूह। उदाहरण के लिए लोगों को लगता है कि जो अवांछित ईमेल के साथ अन्य उपयोगकर्ताओं को स्पैम या उन्हें संदेश के साथ भरा हुआ बुरा नेटिकेट है। कंपनियों की इंटरनेट शिष्टाचार ज्ञान के बिना कॉर्पोरेट शर्मिंदगी हो सकती है और कर्मचारी पलायन कर सकती है। इंटरनेट शिष्टाचार के बुनियादी नियम। व्यक्तिगत जानकारी से बचे। पता, फोन नंबर, सामाजिक सुरक्षा नंबर या क्रेडिट कार्ड जैसे हालात पहचान और या पैसे चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी कि किसी को भी पासवर्ड नहीं बताना चाहिए।
पासवर्डों गोपनीयता की रक्षा करने का इरादा रखते हैं। अगर पासवर्ड कोई जानता है तो उपयोगकर्ता की संरक्षणता खत्म हो जाएगी। अक्षरांकीय मूल्यों द्वारा पासवर्ड में जटिलता होने से पासवर्ड संयोजन आपको हैकर्स के खिलाफ की रक्षा करने में मदद करेगा। लगातार पासवर्ड बदलना बहुत जरूरी है। तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करते समय ख्याल रखना। तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करते समय न केवल सावधान रहें, अपितु तस्वीर की सामग्री के बारे में भी सोचें। अवांछित या प्रतिबंधित तस्वीरें और वीडियो की पोस्टिंग एक दूसरी सोच देती है, क्योंकि एक बात यह है कि अगर यह एक बार ऑनलाइन होगा तो वह हमेशा के लिए रहेगा और लाखों लोगों के लिए उपयोग करने के लिए होगा। स्पेल चेक और संदेश पढ़ने का सबूत। यह आसान लगता है, लेकिन यह कुछ अक्सर भूल जाता है और उपयोगकर्ता का अन्य लोगों की धारणा पर एक बड़ा प्रभाव बना सकता है। सभी को बड़े अक्षरों में न लिखना। उससे कौन पढ़ना और सुनना चाहता है जो हर समय चिल्लाता रहता है? ठीक है, अगर आप किसी चीज को दबा या जोर देना चाहते हैं, तो आप सब शब्दों को बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। उपयोगकर्ता को सब कुछ पसंद होता है और वह साफ लिखने से दूर रहना चाहता है। तुम्हारे खाते और प्रोफाइल। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता इस तरह के एक ईमेल खाते के रूप में एक नकली खाता बना सकते हैं। हमेशा सच्चे स्वयं के लिए जिम्मेदार होने के लिए स्मार्ट होता है। यही तरीके से एक व्यापार और दोस्तों का संचालन कर सकते हैं और रिश्तेदारों को खोजने के लिए और संपर्क कर सकते हैं। बस याद रखें, इंटरनेट पर जानकारी सार्वजनिक है, इसलिए जब खाते की प्रोफाइल बनाने विवेक का उपयोग करें। व्यक्तिगत अपमान क्रोध न भेजें। यह भेजे जाने से पहले सोचो। साइबर बुली के रूप में मत आना। स्पैम से दूर रहो। मेलबॉक्स में जंक मेल मिल के रूप में स्पैम के बारे में सोचो। स्पैम संदेशों के 99% धोखाधड़ी किया जा रहा है, या तो व्यक्तिगत जानकारी या पैसा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे सुरक्षित शर्त सिर्फ यह नष्ट करने के लिए है। उपयोगकर्ता जब तक जानते हैं कि संदेश किसका है, तो किसी भी लिंक का चयन न करने। वेबसाइटों को सुरक्षित करना https://। यह न केवल पहचान की चोरी के खिलाफ की रक्षा करेगा, बल्कि यह व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा की बात भी करेगा। इग्नोर पॉपअप विंडो। एक बार पॉपअप होने पर इसे बंद कर दे। लिंक का कभी पालन न करें। ये पॉपअप वायरस होते हैं जो कि कंप्यूटर को बंद करने या उसकी जानकारी चोरी कर सकते हैं। स्मार्ट हो और सिर्फ उन्हें बंद कर दें।